धरियावद विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी गौतम लाल मीणा के समर्थन में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुंगाड़ा में विशाल आम सभा में 25,000 से अधिक जनसैलाब को संबोधित किया। राजस्थान में पुनः कमल का फूल खिलाने की आम जन से आगामी 7 दिसंबर को मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी की आवाज में इस उपस्थिति को भाजपा के फूल पर मतदान देकर जयपुर तक पहुंचाने का काम आप लोग ही करोगे, यह मुझे विश्वास है। दो बार भाजपा के विधायक रहे गौतम लाल मीणा ने जो मांगा हमने दिया है, किंतु आज क्षेत्र के लिए बहुत कुछ मांग रहे हैं। इन्हें जिताकर जयपुर भेजो, जो मांगेगा वह देंगे। यह व्यक्ति जन जन से जुड़ा हुआ है, जो दुख सुख के साथ रहता है। विकास कार्यों को देखते हुए फिर से एक बार मौका दिया है। हमने गौरव यात्रा निकाली थी, उसमें 5 वर्ष का हिसाब किताब देने का काम किया है। कांग्रेस सामने आती है तो सिर्फ आलोचना ही करती है, अभद्र भाषा का उपयोग करती है और बोलती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों झुककर प्रणाम किया। वसुंधरा ने कहा, ये हमारे संस्कार है। को जाके जोरदार तरीके से कमल के फूल को वोट देके और गौतम को जिता के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए एक और एमएलए भेजने का काम करोगे। ये दौड़ेगा भागेगा काम करेगा और ये आपके और हमारे बीच का कड़ी बनेगा। और इसने मेरे से बहुत सारे काम, ये तो सोचता है ना कि ये चले जाएंगे फिर इसके बाद मालूम नहीं क्या होगा। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुंगाना कहते हैं, मुंगाना को उत्तरशील बनाओ, बैंक लाओ, कृषि मंडी स्थापित करो, नगर पालिका बनाओ, ये सब उनकी बातों को मैं सुन रही थी। मैंने कहा, गौतम जी आपको मालूम होना चाहिए कि चुनाव का टाइम है तो ये बात की घोषणा तो अपन कर नहीं सकते, परंतु आपको ये भी मालूम है कि आपकी जो भी बातें आई उसको पूरा करने में हम पीछे हटे क्या, हटे क्या? आपने कहा ना, मैं इसीलिए मैं आपको इतना कह रही हूँ, आप मेरी तरफ और उनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। जब आपने कुछ भी बात कही तो आपकी बात को कभी भी टालने का काम हमने नहीं किया, तो जरा जीत के तो आ जाओ।